नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, मैं आपके साथ काविंद्र चौहान। एंटीलिया के बाहर एक कार मिली, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि पूरे मामले में और कोई नहीं, शिवसेना का लाडला ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवसेना का लाडला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर कई साल पहले कस्टोडियल डेथ के मामले में निलंबित किया जा चुका था और शिवसेना का नेता बन गया था, वो अब शिवसेना के राज में एक बार फिर पुलिस विभाग में आ जाता है। और सत्ता का चाटू बनने का मजा तो देखिए कि एक अदना सा सब इंस्पेक्टर यहां मुंबई में इंटेलिजेंस यूनिट को हेड करने लगता है। मतलब जहां सबसे प्रमुख और बड़े मामले आते हैं उसको शिवसेना का नेता वर्दी में हेड कर रहा था। और ये वही पुलिस वाला है सचिन वाजे, जो अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने में भी सबसे आगे था। और तो जो स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर मिली थी जिसमें एक्सप्लोजिव भी रखे थे, वही गाड़ी अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी में भी इस्तेमाल की गई। समझ रहे हैं साजिश कितनी बड़ी और कितनी खौफनाक हो सकती है। वो हम पुरानी फिल्मों में देखते थे ना कि नेता कैसे अपने चाटुकार पुलिस वालों के साथ रखता था, अपने उनको साथ रखकर उन्हें खूब पैसा देकर अपने सारे काले काम करा लिया करता था। मतलब व्हाइट कॉलर गुंडागर्दी। सरकारें खुद सामने आकर गुंडागर्दी नहीं कर सकती, पुलिस पर कंट्रोल तो होता है लेकिन वो भी न्याय के दायरे में होता है। तो ऐसे में हुक्मरान अपना ही आदमी ऐसे विभागों में प्लांट कर देते हैं और फिर हचक के साथ गुंडागर्दी का खुलेआम प्रदर्शन करते हैं। अब पूरे मामले में कुछ सत्ताबाज ये कह रहे हैं कि भैया ये तो अर्णब के साथ पंगा लिया था इसलिए ऐसा हो रहा। तो भैया ये सचिन बाजे बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मनसुख हरेन की हत्या मामले में उनकी पत्नी ने इसी सचिन बाजे का नाम लिया। और तो एनआईए को शक है कि पीपी किट में गाड़ी के पास जो वो घूम रहा था वो शख्स यही है। 4 नवंबर 2020 को मुंबई पुलिस ने अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। तब देश भर में जनता ने तो इस गिरफ्तारी का विरोध किया ही था, साथ ही केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों तक ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की थी। उस दौरान ट्विटर गिरफ्तारी के विरोध वाले ट्वीट से भर गया था। केवल शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया था। वहीं अर्णब को गिरफ्तार करने वाले सचिन वाजे और उनकी टीम की सराहना भी की थी। आज वक्त बदला है। 15 मार्च 2014 की तारीख है। सचिन वाजे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एंटीलिया के सामने विस्फोटक मिलने की जांच एनआईए कर रही है। एक नजर से देखें तो मामला सीधा सीधा राज्य की पुलिस और केंद्रीय एजेंसी का है। मामला राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच का है। ऐसे में इस सवाल का सुर्रा कहीं से उठ रहा है कि क्या सचिन वाजे को अर्णब की गिरफ्तारी महंगी पड़ी? तो उसका ये एक जवाब हो सकता है, लेकिन इस जवाब को ही पूरा नहीं मान लेना चाहिए। एनआईए ने किस लिहाज में गिरफ्तारी की है इस पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। दरअसल एनआईए ने जब से केस की जांच को अपने हाथ में लिया है, सचिन वाजे का नाम संदिग्ध के तौर पर सामने आ रहा है। तो सचिन वाजे की गिरफ्तारी से शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है और मुंबई पुलिस भी घबराई घबराई घूम रही है। और अब तो खुद कमिश्नर साहब परमवीर सिंह भी परेशान होंगे, क्योंकि जो नेता और पुलिस का नेक्सस है ये एक्सपोज होता दिख रहा है। राजनीतिक पार्टी तो अपने फायदे के लिए ऐसे पुलिस वालों को जमकर इस्तेमाल करती है, जमकर उन्हें साथ रखती है और बाद में जब खुद फंसती नजर आती है तो दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंकती है। लेकिन इस पूरे नेक्सस से सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम लोगों का। कोई भी आम आदमी जिसे चाह उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। सरकार के ही लोग बड़े क्राइम कर देते हैं जिसमें आम लोग बुरी तरह पिसते हैं और फिर उनके टुकड़ों पर पलने वाले पुलिस वाले अपनी शपथ को भूल जाते हैं जो उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ली होती। सचिन वाजे 1990 में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में महाराष्ट्र पुलिस बल में शामिल हुए थे। सचिन वाजे की पहली पोस्टिंग गदरौली के माओवादी प्रभावित क्षेत्र में की गई थी। उन्हें 2 साल बाद ठाणे शहर पुलिस में शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ सालों में वो क्रिमिनल केसों की बेहतरीन जांच करने वाले पुलिस ऑफिसर के रूप में पहचाने जाने लगे। उसके बाद उन्हें ठाणे पुलिस के अपराध शाखा के विशेष दस्ते में शामिल किया गया, जहां उन्होंने एक एनकाउंटर के दौरान ख्याति प्राप्त की। कहा जाता है कि इसके बाद ऐसे कई एनकाउंटर को सचिन वाजे ने अंजाम दिया, जिसके बाद उन्हें मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। बताया जाता है कि सचिन वाजे तकरीबन 60 एनकाउंटर कर चुके हैं। ख्वाजा यूनिस हत्या मामले में केस दर्ज होने के बाद सचिन वाजे को मार्च 2004 में ही महाराष्ट्र पुलिस सेवा विभाग से निलंबित कर दिया गया था।
महाराष्ट्र पुलिस विभाग से 2004 में सस्पेंड होने के बाद सचिन वाजे ने 30 नवंबर 2007 में महाराष्ट्र पुलिस विभाग से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया था, जिसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि उनके ऊपर जांच चल रही है। इसके बाद साल 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि सचिन वाजे 2008 तक शिवसेना के सदस्य थे, लेकिन अब उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था, सचिन वाजे 2008 तक शिवसेना में शामिल थे, लेकिन उन्होंने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया और अब उनका शिवसेना से कोई संबंध नहीं है। तो साल 2004 में पुलिस विभाग से सस्पेंड होने के बाद 6 जून 2020 को सचिन वाजे को फिर से पुलिस बल में बहाल किया गया था। सचिन वाजे क्राइम ब्रांच की खुफिया इकाई CIU में सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर घर वापसी करता है। उसके बाद सचिन वाजे ने कुछ हाई प्रोफाइल मामलों को संभाला, जिसमें टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, बहुत नाम सुना होगा, TRP में हेराफेरी का मामला भी शामिल, जिसमें ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दास गुप्ता सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके अलावा रिपब्लिक टीवी से जुड़ा मामला, जिस पर TRP चोरी का आरोप लगा था, आप सभी को पता होगा सचिन वाजे उस पुलिस टीम का भी हिस्सा थे। साजिश समझिएगा, ये उसी टीम का हिस्सा थे जिसने अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में नवंबर 2020 में न्यूज एंकर और पत्रकार, बड़े पत्रकार अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया था घर के अंदर घुस के। नाइक और उसकी मां कुमुद नाइक मई 2018 में मृत पाए गए थे। इसके अलावा 28 दिसंबर 2020 को सचिन वाजे ने फेमस स्पोर्ट्स कार डिजाइनर दिलीप झावड़िया को भी गिरफ्तार किया था। सचिन वाजे उस केस को भी देख रहे थे जो 2016 से कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच चला रहा, मतलब हाई प्रोफाइल, बड़े आदमी, बड़ा पुलिस वाला, रौबदार। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के पुलिस अफसर हमारी रक्षा में लगाए जाएंगे, जो खुद इतने संगीन आरोपों से घिरे हैं, तो इस बात को समझा जा सकता है कि भारत में न्याय व्यवस्था इतनी खस्ता हालत में क्यों है, क्यों एक युवक 20 साल जेल काटने के बाद निर्दोष साबित हो जाता है, क्यों फर्जी मामले लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, क्यों थानों और चौकियों में रिश्वतखोरी इतनी आम बात होती है, क्यों लोग आज भी पुलिस को देखकर सुरक्षित महसूस करने के बजाय सिहर जाते हैं। सोचिएगा जरूर, ऐसे ही मत सो जाइए। और फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, कल फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।